भागलपुर के नवगछिया और परवत्ता पुलिस ने जानवी चौक के पास संयुक्त रूप से कार्रवाई कर भागलपुर से खगड़िया की ओर जा रहे एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। पुलिस ने शराब के साथ ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। ट्रक से करीब 17 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया। देर रात बरामद शराब की बोतलों की गिनती की जा रही थी। पुलिस से जानकारी मिली है कि बरामद शराब में मेक 11 इंपीरियल ब्लू रॉयल स्टैग ब्रांड की शराब है। छापेमारी अभियान का नेतृत्व परवत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव और नवगछिया के थाना अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार कर रहे थे। की बात आ रही है, गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड से एक ट्रक में शराब छिपा करके इधर आ रही है। सूचना पर तो टीम गठन किया, जिसमें थाना प्रभारी परवत्ता, थाना प्रभारी नवगछिया को शामिल किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए गाड़ी को रास्ते में ही जब्त किया गया। पूरा गाड़ी खाली था, फिर चेचिस खोलने के बाद उसमें से भारी मात्रा में शराब का बोतल मिला है। इसकी गिनती जारी है और हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं कि ये माल कहाँ से लाया गया, माल कहाँ ले जाना था, उस पर लोग काम कर रहे हैं। कितनी पेटी होगी कार्टून होगी सर? अभी कार्टून गिनती हो रही है। लगभग 15 कार्टून पैक था, इसके अलावा कुछ खुला बोतल था, जिसकी गिनती जारी है। कोई गिरफ्तारी सर? एक ड्राइवर गिरफ्तारी हुई है। क्या उसको कहाँ से डिलीवरी होना था सर, इस तरह का बात आ रही है? उसने बताया झारखंड से माल ला रहा है और आगे खगड़िया माल ले जाना था। अब किसे माल देना था और कहाँ से माल, काम कर रहे हैं। कहाँ से रिकवरी हुआ है सर? ये आपका हुआ है जाह्नवी टीपू से आगे जब बढ़ते हैं उसी रोड पे। भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित डीएम कार्यालय में तकनीकी पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। डीएम सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान ग्रामीण कार्य विभाग, पथ प्रमंडल, पुल निगम, लघु सिंचाई विभाग, पीएसडी सहित सभी विभागों ने तकनीकी पदाधिकारी और जिला योजना पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिले में चल रहे विकास योजनाओं की जानकारी अधिकारियों से ली और काम में प्रगति लाने के को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। भागलपुर जगदीशपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर सनहोला मोड़ पुलिस चेक पोस्ट के निकट मंगलवार सुबह वाहन चेकिंग के दौरान एक हुंडई सेंट्रो कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया है। साथ ही कार को भी जब्त कर लिया गया। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर जगदीशपुर पुलिस ने सनहोला मोड़ के निकट वाहन चेकिंग अभियान चला रखा था। इसी दौरान यह कार वहां पहुंची, लेकिन वाहन चेकिंग को देख कार चालक सड़क किनारे कार लगाकर मौके से फरार हो गया। जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें से 9 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया, जिसमें इंपीरियल ब्लू, रॉयल स्टैग सहित विभिन्न ब्रांड के 324 बोतल विदेशी शराब पाया गया। मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की टीम के द्वारा भागलपुर के मायागंज अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया गया। डॉक्टर एमके ठाकुर के नेतृत्व में पहुंची एक सदस्यीय टीम के द्वारा मायागंज अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में अस्पताल प्रबंधन के द्वारा दिए जा रही सारी सुविधाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान टीम के डॉक्टर के द्वारा रेडियोलॉजी विभाग के अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सिटी स्कैन सहित मरीजों को दिए जाने वाली सारी सुविधाओं का अवलोकन किया गया। प्रिंसिपल साहब को भी नहीं दिखा सकता, पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है। फॉर एग्जांपल इसमें एमआरआई है, एमआरआई नहीं है ये मैं नहीं लिख सकता, और जो नहीं है वो भी है ये भी नहीं लिख सकता हूँ। इसीलिए ये फैक्स जो है, फैक्स में नेशनल मेडिकल कमीशन को भेजा जाऊँगा, दे विल डिसाइड क्या है क्या नहीं है। सर, आपने यहाँ पे जो देखा, कितने संतुष्ट हैं? देखिए, मेरे संतुष्टि का बात नहीं है, डिसीजन विल बी टेकन बाय नेशनल मेडिकल कमीशन। वट एवर अवेलेबल जो फैसिलिटीज है यहाँ पर, चार भी जानते हो गए, आप भी जानते हो गए, मैं भी जान चुका हूँ। तो दिस फाइंडिंग्स विल फॉरवर्ड टू मेडिकल कमीशन रिपोर्ट। दिस थिंग्स आर कॉन्फिडेंशियल, एक्चुअली सर भी नहीं देख सकेंगे ये पैकेट करके भेजा नहीं है। एक लेट अस होप, क्योंकि भागलपुर के नवगछिया इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर हाट स्थित कृषि भवन के पास एक बाइक पर सवार होकर आए दो अज्ञात अपराधियों ने इस्माइलपुर के पुलकिया निवासी देशबंधु यादव उर्फ बुलबुल यादव को गोली मारकर घायल कर दिया।
अपराधियों की दो गोली बुलबुल को लगी। घटना के तुरंत बाद बुलबुल को इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां उनकी इलाज चल रही है। परिजनों से मिली जानकारियों के अनुसार बुलबुल यादव की स्थिति सामान्य है। चिकित्सकों ने उन्हें खतरे से बाहर बताया है।